मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन नैब से इस्तीफे का मुतालिबा। ये इदारा सियासत, सियासतदानों और हक की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमारे रहनुमाओं की जमानतें इस बात का सबूत हैं कि सियासी मुखालिफीन को निशाना बनाया जा रहा है। मौजूदा हुकूमत तबाही की तरफ जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्ला की मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब चेयरमैन आज इस्तीफा दे और घर जाए, ये हमारी डिमांड है, क्योंकि उसके झूठ, उसकी बदनीयती, उसकी नलायकी आज सारे पाकिस्तान पर आयां हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले दो साल से कह रही है कि ये इदारा सरासर सियासतदानों को दबाने के लिए, सियासतदानों की बेइज्जती करने के लिए, सियासतदानों का मजाक उड़ाने के लिए। आज ये बात साबित हो गई है कि नैब इमरान खान की गेस्टापो है। इसका सिर्फ मकसद इस हुकूमत के मुखालफीन की आवाज बंद करना, उनका सियासी आजादियों को सल्ब करना और मीडिया का गला घोंटना है। चेयरमैन नैब जो है उनको फौरी तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। आज के इस फैसले के बाद ना चेयरमैन नैब के बरकरार रहने का जवाब रह गया है और ना नैब के बरकरार रहने का जवाब रह गया है। एक एक करके जो जमानतें हुई हैं हमारी, हमारे यहाँ बादशाह साहब खड़े हैं, राणा साहब खड़े हैं, जो यासिन इकबाल खड़े हैं और साद रफीक और सलमान रफीक का, ये जमानतें इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो इस वक्त जिसका और इदराक जो है किसी मरहले पे, किसी मसले पे इस हुकूमत को किसी चीज का इदराक नहीं है। ये हुकूमत जो है जितनी देर चलेगी तबाही की तरफ हमारे कदम जो है बढ़ते जाएंगे। अगर जमानत होना बेगुनाही नहीं होती तो मुकदमे का दर्ज होना भी गुनाहगारी नहीं होती।